उधर देखिए तैयारियां अब जोरों शोरों पर यहां पर चल रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं विष्णु शर्मा और इसके साथ ही विनय पन जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विष्णु मैं आपका रुख कर लेती हूं। 15 तारीख राजतिलक का वो दिन है जिस दिन प्रदेश को नए सीएम मिलेंगे। औपचारिक तौर पर राजतिलक होगा उनका उस दिन। पूरे इस समारोह को भव्य बनाने के लिए किस तरीके की तैयारी आप जोरों शोरों पर वहां पर चल रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चौंकाने वाला चेहरा भजनलाल शर्मा कल आया और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर घोषित कर दिए गए। अब उनका जो राजतिलक है या शपथ ग्रहण है वो 15 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे रखा गया है जी, रामनिवास गार्डन में अल्बर्ट हॉल के बाहर ये समारोह आयोजित किया जाएगा। पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम देखा गया था और जनपद की बात थी, लेकिन कानूनी बाधाओं के कारण वो दोनों स्थान छोड़ के अब यहाँ अल्बर्ट हॉल में होगा। अल्बर्ट हॉल में तैयारियां व्यापक रूप से भव्य रूप से यहाँ पर शुरू की जा चुकी है। बड़ा मंच यहाँ पर बनाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ऐसा चेहरा है जो लगातार यहाँ आते रहे हैं, लेकिन ये सरकार बदलने का चेहरा है जिसको लेकर तैयारियां की जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मन से की जा रही है जी। यहाँ पर व्यापक पूरी तरह से अधिकारी लगे हुए हैं। आप किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या क्या मंच कितना बड़ा बनाया गया है, क्या थोड़ा सा जानकारी देंगे? जैसा भी प्रशासन द्वारा जो चीजें अब तक अवगत कराई गई है उसी के अनुरूप तैयारियों मंच की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जो भी एसपी जी का प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और अन्य स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी और हाई डिग्निटीज आएंगी, जैसा भी उच्च स्तर पर प्रशासन द्वारा बताया गया उसके अनुरूप तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई। प्रशासन के अनुरूप तैयारियाँ करी गई है और तैयारियाँ कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी? शपथ ग्रहण समारोह 15 तारीख को है तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की है कल शाम तक सारे कार्य पूर्ण हो जाए। कल शाम तक पूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। ये थे रावत साहब जो यहां पर पूरी तैयारियों का जायजा वो लग रहे हैं, उनमें लगे हुए हैं। यहां सुरक्षा व्यापक बंदोबस्त किया जा रहा है, पूरी तरह यहां तैयारी की जा रही है, मंच बड़ा व्यापक भव्य और बनाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। करीब 24 घंटे यानी अब से 24 घंटे बाद ये पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी, लगातार लगे हुए और इसको लेकर लगातार चल रहे हैं। और ये तैयारियां हैं, मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार आ जाए इधर, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी, लगातार एसपीजी की यहां पर तैयारियां और इसको लेकर मनाइए। लेकिन ये व्यापक तैयारियां, सुरक्षा बंदोबस्त यहां पर व्यापक किया गया है। एसपीजी के अधिकारियों ने यहां पर जायजा लिया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी जाब्ता लगा हुआ है। बात करेंगे अब यहाँ कि लगातार इस समारोह को भव्य और व्यापक बनाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री, वहीं एनडीए की जो सरकारें जहां जहां पर हैं उनके मंत्री, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री वो रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की पूरी आवाम को यहाँ पर बुलाया गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम लोगों को बुलाया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शशि मोहन, बात करते हैं। शशि, भव्य रूप से, ऐतिहासिक रूप से इस समारोह को तैयारियां अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि एक 5 साल बाद या 10 साल बाद ये चेहरा इस तरह से मुकम्मल मौका है। बिल्कुल, देखिए विष्णु, पिछली बार भी जब सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट ने यहीं पर शपथ ली थी। और ये जो बिल्डिंग है, ऐतिहासिक अहमियत है इस बिल्डिंग की। 1887 से ये बिल्डिंग यहाँ शुरू हुई म्यूज़ियम के रूप में, महाराजा सवाई राम सिंह ने इसको शुरू किया, लेकिन सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में ये पूरी हुई म्यूज़ियम के रूप में। और इस बिल्डिंग के सामने जो ये मंच लगाया जा रहा है, इस मंच के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा 60x32 का होगा, यानी 60 फीट चौड़ाई है, 32 फीट इसकी गहराई है। और बाकी जो 2 हिस्से होंगे, 2 मंच एक दाएं और बाएं लगाए जाएंगे, वो 50x32 और दूसरा भी 50x32 की साइज़ में लगाया जाएगा। तो मुख्य जो मंच है उस पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र बैठेंगे, जो मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। और उसके बाद भजनलाल शर्मा
निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाएंगे। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मुख्य मंच पर रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, वो इस मुख्य मंच पर रहेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिनको दोनों को उपमुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है, वो इस मंच पर रहेंगे। और संभावना ये जताई जा रही है कि जो अभी मनोनीत स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उनको भी मुख्य मंच पर जगह मिलेगी। इसके साथ में जो केंद्र से प्रमुख नेता आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और दूसरे अन्य नेता, वो मुख्य मंच पर रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि साधु संतगण भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे, उसकी शोभा बढ़ाएंगे, उनके लिए भी एक मंच तैयार किया गया है। साथ में जो विधायकगण रहेंगे वो भी वीवीआईपी जगह मिलेगी। ये जो सामने वाला डी एरिया देख रहे हैं, कैमरा पर्सन देव से कहूँगा, अभी यहाँ पर गाड़ियाँ दिख रही हैं इसलिए ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं आएगा, लेकिन ये जो सामने वाला हिस्सा है, इस सामने वाले हिस्से को अलग अलग 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें सबसे मंच के सामने से देखेंगे, मंच पे से देखेंगे तो दाईं तरफ 650 कुर्सियों का एक ब्लॉक होगा, वो वीवीआईपी ब्लॉक रहेगा, फिर 250 चेयर्स का एक ब्लॉक रहेगा, फिर उसके बाद 250 चेयर्स का एक ब्लॉक रहेगा और फिर उसके बाद एक और 650 चेयर्स का ब्लॉक रहेगा। इसके साथ में ये जो सामने की तरफ, कैमरा पर्सन देव से कहूंगा थोड़ा बीच में आने की कोशिश करें, इस सड़क को दिखाएं, ये न्यू गेट की तरफ जो रास्ता जाता है ये तकरीबन आधा किलोमीटर का ये सड़क है। ये महाराजा मानसिंह द्वितीय की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर मेटल की। उससे भी आगे जो रामनिवास बाग का एंट्री गेट कहलाता है, लोहे के दरवाजे जो हैं, जो लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए वो भी इसको जानते हैं, जयपुर के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ तक का पूरा एरिया कवर किया जाएगा। बिल्कुल, साथ बिल्कुल, में सड़क के साथ में प्रदेश भर के भी है कि जो लोगों को, हर एक जन को यहाँ पर आमंत्रित कर लिया जाए, हालांकि ये तमाम व्यवस्थाएं हों, इसके लिए जो पंडाल है वो भी काफी विशाल बनाया जाएगा। ठीक है विष्णु, आऊंगी मैं आपके पास, शशिमोहन आऊंगी आपके पास, हमारे सहयोगी विनय भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। विनय देखिये, कौन कौन से खास मेहमान यहाँ पर आएंगे, खास के साथ साथ जो सबसे खास है राजस्थान की जनता वो भी आमंत्रित है, उसको लेकर भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इतने आम और खास लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा से जो है, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके से, कितनी लेयर में यहां पर सुरक्षा रहने वाली है, पुलिस और प्रशासन जो है वो किस तरीके से इसको लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं, वो भी जरा जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा 15 तारीख को, उसको लेकर जो सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त कर लिया गया है। काफ़ी सख्त जो सिक्योरिटी है वो रहने वाली, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ऐसे में जो मंच है और मंच के आसपास का जो एरिया है, जो डी है, उसकी जो सुरक्षा है वो एसपीजी ने अपने अंडर में आज से ही ले ली है। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो कल जो फुल फाइनल रिहर्सल होती है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जो अन्य वीवीआईपी आएंगे वो किस रास्ते से प्रवेश करेंगे, कहाँ से उनको मंच पे वो लोग बैठेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो फाइनल रिहर्सल है वो कल जयपुर पुलिस और एसपीजी के द्वारा की जाएगी। वहीं मैं बताना चाहूँगा, जो तमाम विधायक भी इसमें शामिल होंगे, दूसरे स्टेट के जो सीएम हैं वो और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और क्विक रेस्पॉन्स टीम के जो कमांडो हैं, सशस्त्र कमांडो, उनकी तैनाती की जाएगी और हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यातायात की भी विशेष व्यवस्था की गई है, यातायात को भी जो अतिरिक्त जाप्ता है वो पुलिस मुख्यालय की ओर से उपलब्ध कराया गया, ताकि इस कार्यक्रम के चलते जो आम जन है उनको किसी तरह की यातायात की जो परेशानी है उनका सामना ना करना पड़े। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा है वो बेहद चाक चौबंद यहाँ पे करी गई है, कोई भी परिंदा यहाँ पे पड़ नहीं मार सकता, और जो लगातार कमांडोज हैं, सशस्त्र कमांडोज हैं, उनकी सुरक्षा में, उनकी निगरानी में ये तमाम जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ पे संपन्न कराया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है विनय, बने रहिए हमारे साथ। एक और जानकारी बड़ी यहाँ पर सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रही है, वो एक बार जरा दर्शकों को बता देते हैं। तो देखिए, नए मंत्रिमंडल को लेकर कवायद जो है वो तेज हो चुकी है, मंत्रियों के नामों पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो गई है। जयपुर में मनोनीत सीएम बजलाल शर्मा ने संघ पदाधिकारियों से चर्चा की, सेवा सदन में नए मंत्रिमंडल को लेकर संघ पदाधिकारियों से चर्चा हुई है।
और मिशन 24 को लेकर इसको देखते हुए मंत्रिमंडल जो है वो तैयार होगा। मंत्री पद की रेस में भी नए और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, इसको लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों का भी गुड मिक्स होगा, ये बातें जो निकलकर हैं सामने आ रही हैं। पहले फेज में लगभग 20 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की इसमें कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से। तो देखिए लगातार हमारे साथ सहयोगी विष्णु और विनय जुड़े हुए हैं। विष्णु का एक बार मैं फिर से रुक करूंगी। तो विष्णु देखिए मंत्रिमंडल को लेकर भी अब कवायद पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो मनोरथ सीएम है उन्होंने संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। मिशन 24 को लेकर जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मिशन 24 को लेकर लिए जा रहे हैं, चाहे बात हो सीएम फाइनल के नाम की या फिर मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री होंगे, किन्हें जगह देनी है, वो किस लिहाज से नाम सामने आ सकते हैं। देखिए आज जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया था तो उसमें केवल मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्रियों को शपथ देने का कार्यक्रम था। हालांकि मंत्रिमंडल की कवायद लगातार जारी है क्योंकि मंत्री बनाए जाने हैं, हालांकि उनकी शपथ को लेकर स्पष्ट जानकारी अभी फिलहाल आ नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं तो मंत्रिमंडल भी तैयार होगा और इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बीजेपी में अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महत्वपूर्ण घटक है, वहां से भी राय ली जा रही है। जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं कि लगातार मुख्यमंत्री के चयन से लेकर हो या उप मुख्यमंत्री के चयन का मामला हो, राज्य चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करता है, लगातार ग्राउंड लेवल पर काम करता है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल की कवायद जरूरी है। कल जीतने के बाद भी, घोषणा होने के बाद भी भजन लाल जो है वो भारतीय भवन पहुंचे थे और वहां क्षेत्रीय प्रचारक सहित तमाम लोगों से बातचीत की थी और अब यहां आज सेवा सदन गए हैं। वहाँ पूर्व संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता हैं, उनसे मुलाकात हुई है, वो संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। तो ऐसे में वहाँ उनसे बातचीत की है तो संभवतया मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी में बात हो रही है, बाहर भी हो रही है और फैसला आलाकमान को लेना कि कौन मंत्री होगा, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ तैयारियां हैं वो पूरी तरह शुरू हो गई है, युद्ध स्तर पर काम जारी है। 24 घंटे में पूरा जो स्वरूप है मंच से लेकर आगे जो बैठने की व्यवस्था है, बैठने के ब्लॉक है, तमाम जो जानकारियां वो यहाँ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचेंगे, तमाम उसका रिहर्सल कल किया जाएगा। बिल्कुल सिक्योरिटी तमाम तैयारियां जो है वो कल शाम तक पूरी हो जानी है क्योंकि कल शाम को रिहर्सल भी होगा। अच्छा विष्णु, जैसा कि यहाँ पर मंत्रिमंडल को लेकर जो कवायद तेज हुई है, मैं चाहूंगी कि अगर आपके आसपास में शशि मोहन शर्मा जो हमारे सीनियर संवाददाता है अगर वो वहां पर मौजूद है तो जरा उनसे भी जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है कि सीएम के नाम को लेकर जैसे चौंकाने वाला नाम सामने आया वैसे ही मंत्रिमंडल में भी इस बार कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात करता हूं मेरे सहयोगी शशि मोहन से। शशि मोहन, ये बताएं कि मंत्रिमंडल की भी कवायद शुरू कर दी गई है क्योंकि मंत्रिमंडल जब मंत्री और उप मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो मंत्रिमंडल भी जरूर होगा। क्या कहना है, जो चौंकाने वाले चेहरे इस समय सामने आए वो भी उनमें आएगा? देखिए विष्णु, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और स्पीकर की घोषणा विधायक दल की बैठक में की गई, उसी तर्ज पर राजस्थान में की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और उनके साथ में दो डिप्टी सीएम ने शपथ ली है, उससे देखते हुए लगता है कि बीजेपी का संगठन अभी बहुत एहतियात से कदम बढ़ा रहा है। पहले इन सब चीज़ों का रिएक्शन भी देखेगा, पूरी चीज़ों को मापने की कोशिश करेगा कि विधायकों में क्या प्रतिक्रिया है, जनता में क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि विधायकों की प्रतिक्रिया से मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व को कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, जनता के रिएक्शन को जरूर नापने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और साथ में ये भी कि जब मध्य प्रदेश में अगर दो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई और व्यक्ति ने शपथ नहीं लिए तो ऐसा लगता है कि राजस्थान भी उस लीग से अलग हट करके नहीं चलेगा। और अब सामने लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, दरअसल 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। मेरे ख्याल में दो चरण में राजस्थान में वोटिंग होगी तो अप्रैल में पहले चरण की वोटिंग हो जाएगी, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और उसके लिए आचार संहिता
मार्च के शुरुआती सप्ताह में संभवतः लग जाएगी, तो सरकार के लिए बहुत कम समय रहेगा, लेकिन इन तीन लोगों को ही अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। साथ में एक पहलू ये भी है कि जो लोग, जो विधायक अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा काम करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, उनको लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में संभवतः जगह मिल पाएगी। हालांकि ऐसा लगता है कि एक विस्तार मंत्रिमंडल का जो पहला विस्तार होगा मंत्रिपरिषद का, वो दिसंबर के आखिर में या जनवरी में ही हो जाएगा संभवतः, और उसकी शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हो जाएगा। लेकिन कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे, कार्यक्रम और ज्यादा भव्यता लिए हुए हो, इसके लिए ऐसा लगता है कि अभी केवल तीन लोग, लेकिन अभी कुछ वक्त जिसका इंतजार करना होगा मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन फिलहाल राजतिलक को लेकर भव्य तैयारियां हो रही है और वो तमाम तस्वीरें